मणिपुर पर में ना हिंसा थम रही है ना सियासत, क्योंकि राहुल गांधी ने फिर एक बार मणिपुर को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मणिपुर में हालात ठीक करने के लिए शांति ही एकमात्र रास्ता है। वही एक ट्वीट कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरते हुए किया, जिसमें जयराम रमेश ने लिखा कि प्रधानमंत्री को भारतीय फुटबॉल टीम को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देने का समय मिला, लेकिन वो मणिपुर पर चुप रहे। मणिपुर में जब से हिंसा भड़की है तब से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हाल ही में राहुल गांधी जो दिन के दौरे पर मणिपुर गए थे, जहां राहुल ने दंगा पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन अब राहुल के इस वीडियो ने राजनीति को गर्मा दिया है। दरअसल मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैताई समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है, जिससे आम लोगों की जिंदगी दहशत में कट रही है।